स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। जी हाँ, बता दें कि उनके निधन को अब काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ना उनके परिवार वाले उनको भूल पा रहे हैं और ना ही फैंस उनको भूल पा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है जिनको भूले से भी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन इस रिपोर्ट में हम ये बात कर रहे हैं कि लता दी के जो गाने थे वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे और उन गानों का क्या महत्व था। वहीं पर आपको बता देते हैं कि एक गाना जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बहुत प्यार और सम्मान दिया था, उस गाने की हम यहाँ बात करेंगे। वो गाना आया था 1957 में, जिसका नाम था दो आंखें 12 हाथ। जी हाँ, ये गाना था और बहुत ही ज्यादा मशहूर भी हुआ था। भले ही किसी और की आवाज में अच्छा ना लगता हो, लेकिन लता दीदी की आवाज में ये गाना इतना मधुर लगता था कि हर कोई इसको बैठ के बहुत बार सुन सकता है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि शांताराम की फिल्म में ये गाना हर किसी को भावुक कर देता था। जब उनका निधन हुआ तो सारे गानों में एक ये भी गाना था जिसको सुन के सबकी आंखें नम हो गई थी, और वो बहुत ही दर्दनाक समय था जब लता दीदी को सब लोग अलविदा कहते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ साथ आपको ये बता देते हैं कि ये गाना अमर हो गया था। लता मंगेशकर जी की आवाज़ ने पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई थी। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी लता दीदी ने। जिस समय लता दीदी दुनिया को अलविदा कह रही थी, तो सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। तो भले ही पाकिस्तान हो या फिर फ्रांस हो, हर कोई इस बात पर विश्वास करने को राजी नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि फिल्म दो आंखें 12 हाथ के उस गीत के बोल ए मालिक तेरे बंदे हम, ये जो गाना था ये अब गाना नहीं, ये अब प्रार्थना में बदल चुका है। हमारे हिंदुस्तान में ये जो गाना है वो प्रार्थना के तौर पर स्कूल्स के प्रेयर टाइम पर यूज किया जाता है और उसके बाद इसको गाया जाता है। साथ ही साथ आपको एक चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये बता देते हैं कि पाकिस्तान में अब ये नेशनल एंथम बन चुका है। जी हाँ, जहाँ भारत में नेशनल एंथम राष्ट्रगान है, वहाँ पर अब पाकिस्तान में यही नेशनल एंथम बन चुका है, ए मालिक तेरे बंदे हम। ये कितनी बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि लता दी का एक गाना अब किसी देश के लिए नेशनल एंथम बन चुका है और उसको रोज वहाँ के बच्चे गाया करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का यही कहना है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कलाकार सबके लिए बराबर होता है। और लता दी की तो बात ही अलग थी, क्योंकि वो किस्सा तो आपको याद ही होगा जब अमिताभ बच्चन से कहा गया था कि आपके पास सारी चीजें हैं, वही हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, वो है ताजमहल और साथ ही लता दीदी, तो आप हमें वो दे दीजिए। लेकिन इस बात को नकारते हुए नजर आए थे अमिताभ बच्चन साफ साफ। तो कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए। इसके साथ साथ और आपको बता देते हैं कि किसी के, लेकिन लता मंगेशकर के कई ऐसे गीत हैं जिन्हें सुनकर फैंस की सुबह भी होती है, और उन्हें जितना प्यार भारत से मिलता था उतना ही मोहब्बत उन्हें पाकिस्तान से भी मिलती थी। और उन्हें उसके बाद अब आखिरी में ये भी बात कर लेते हैं कि उनकी तबीयत जो लगातार बिगड़ती चली गई थी, वो पैर उनको कोरोना हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने अपना अस्पताल में दम तोड़ दिया, वहाँ पर आखिरी सांस ली, जिसका विश्वास कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन 6 फरवरी को 8:12 पे लता दीदी सबको अलविदा कहकर चली गई। लेकिन आपको ये कितना प्राउडली लगता है, कितना गर्व होता है लता दीदी की आवाज को लेकर कि पाकिस्तान में ऐसा नेशनल एंथम यूज होती है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।